क्या भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के फैसले पर रोक लगा देंगे सीएम नीतीश? क्या नीतीश कुमार को भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है? देखिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और उस समय जमीन का जो रिकॉर्ड है उसे डिजिटल करने के लिए वहां की तत्कालीन सरकार ने किया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की सरकार चली गई थी, तो क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? क्या नीतीश कुमार ब्रेक लगा देंगे या तमाम जो न्यूज चैनल्स में ये खबरें आ रही हैं वो सिर्फ अफवाह है? देखिए, हम तमाम जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन देखिए जमीन सर्वे जो हो रहा है, जब दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये फैसला लिया कि बिहार में अब जमीनों का सर्वे होगा। ये फैसला क्यों लिया गया? इस फैसले को लेने का मकसद यही था कि जो कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहे थे उससे लोगों को छुटकारा मिले। जो लोग कोर्ट का चक्कर लगाते थे, सीओ कार्यालय का चक्कर लगाते थे, उससे उन्हें मुक्ति मिले। देखिए, कई सारे कर्मचारियों को तमाम गांवों में ये काम करने के लिए लगाया गया। एक साल का टारगेट रखा गया है कि एक साल में जमीन सर्वे का काम पूरा कर दिया जाएगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, लोग और बेचैन हो गए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका जमीन उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, कई तरह की विवाद की खबरें भी कई जगह से आनी शुरू हो गई हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकार के पास यानी विभाग के पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, किसी का नाम गलत चढ़ा हुआ है, किसी का खाता गलत चढ़ा हुआ है, किसी का खेसरा गलत चढ़ा हुआ है। तो देखिए, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो मौखिक बंटवारा अगर दादा परदादा ने कर दिया तो उसका रसीद कहां से मिलेगा, उसकी वंशावली कैसे बनेगी, उसका रिकॉर्ड कैसे बनेगा। उसमें भी लोगों को परेशानी आ रही है, और सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है जो सरकार ने यह कह दिया है कि वंशावली में बहन या बुआ का नाम आपको रखना पड़ेगा, उसको लेकर तमाम लोग सशंकित हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर बुआ मर गई है, दुनिया में नहीं है, तो क्या हम वंशावली में उनका नाम देते हैं तो उनका जो संतान है क्या वो जमीन पे अपना कब्जा नहीं दखल करेगा, वैसे में हमारे पास जमीन ही कितनी बच जाएगी। तो देखिए, तमाम तरह की शंकाएं हैं और ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार अब इस पर ब्रेक लगा सकते हैं। तमाम कई बड़े न्यूज चैनल्स में ये खबरें आई, लेकिन देखिए उसके बाद दिलीप जायसवाल ने ये साफ कर दिया है। हम आपको बता दें, जो मंत्री दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे का काम चलता रहेगा। ये तमाम जो खबरें हैं वो अफवाह हैं। देखिए, कल ही हमारे संवाददाता राजनंदी ने दिलीप जायसवाल से बात किया था, जो दिक्कतें सामने आ रही थी उसको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा था कि देखिए दिक्कतें आ रही हैं लेकिन मैं हूं ना, समाधान निकाल लूंगा। बिहार के अगल बगल सभी स्टेट में लैंड सर्वे होकर के सारा चीज डिजिटल हो चुका है। 130 वर्ष के बाद ये लैंड सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे हो रहा है। थोड़ा तो बेचैनी होगी, लेकिन सभी बेचैनी का क्या रास्ता है वो मेरे पास सभी रास्ता है। रास्ते हैं आप? मेरे पास सारे रास्ते हैं, चिंता मत कीजिए। बेचैनी है क्योंकि अभी तक सब लोग आराम से सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, हमारा तो जमीन है, हमारा कब्जा है, लेकिन हर चीज का रास्ता मेरे पास है, एकदम चिंता नहीं कर। तो देखिए, फिलहाल तो इस पर रोक नहीं लगने जा रही है, हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या अगर इसी तरह से दिक्कतें सामने आते रहेंगी तो सवाल ये भी है, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे और इसी दिक्कतों के बीच जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है।